तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू और मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके जिसका टॉपिक है टाटा 4830 रिव्यू वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते क्या कुछ देखने को मिलता है। ये व्हीकल आपका BS6 फेज 2 व्हीकल है। चलिए इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको मिडिल में टाटा का ब्लैक कलर का TATA लिखा हुआ टाटा मिल जाता है। उसके नीचे जस्ट आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडलाइट मिलता है और जस्ट उसके ऊपर में हेडलाइट का स्पेस दिया हुआ आप लगवा सकते हैं। और इस साइड पे आपको सेम मिल जाता है और ऊपर में एक वाइपर मिलता है और एक वाइपर अटैच करने का स्पेस मिल जाता है आपको। और इस जगह पे आप देख सकते हैं आपको 4830 का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में और आपको बम्पर इसमें मेटल का मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बम्पर के साथ में ये व्हीकल आता है और यहाँ पे आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं इस साइड और क्या कुछ देखने को मिलता है इस व्हीकल में। और देख सकते हैं इसका टायर आपको 20 इंच का मिल जाता है और ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स इसमें है और सभी व्हील में ABS के साथ में ये व्हीकल आता है। और इस साइड में आप देख सकते हैं लिप स्प्रिंग कुछ इस तरह का मिलता है आपको देखने के लिए, जिसको कमानी भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर का फिल्टर मिल जाता है और डीजल टैंक देख सकते हैं। डीजल टैंक आपको 365 लीटर का मिलता है और इस व्हीकल का माइलेज आपको 2.5 से 3.5 का देखने को मिलता है। और देख सकते हैं इस साइड में आपको ATS मिल जाता है और इस व्हीकल में आपको ATS जो है वो हॉरिजेंटल मिलता है। और देख सकते हैं इसका टायर कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ एयर बलून्स मिल जाते हैं देखने को, देख सकते हैं, जो कि लिफ्ट एक्सल को वर्क कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिप स्प्रिंग कमानी, जो कि आप पॉज करके गिन भी सकते हैं कितना कमानी में ये व्हीकल आता है। और इस साइड का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए आपको इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं और आप देख रहे हैं इसका पीछे का व्यू में आपको जो टेललाइट है वो फुल्ली LED मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नीचे में एक बम्पर मिल जाता है आपको, जो कि वाइट और येलो में कलर किया हुआ मिलता है आपको। और ऊपर में दो व्हील चॉक मिलते हैं, सेफ्टी के लिए यूज़ करें। और इस व्हीकल में जो बैक सेंसर आपको मिलता है टोटली 5 मिल जाते हैं। और इस साइड में आपको स्टेपनी व्हील मिल जाता है देखने को और यहाँ पर भी कुछ कमानी आप गिन सकते हैं। और आप देख सकते हैं लिफ्ट इसका भी ऊपर की ओर उठा हुआ है। और इसका आप ATS सिस्टम देख सकते हैं, जो कि कमिंस के तरफ से आता है, जो कि हॉरिजेंटल में आपको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं इसका डेफ टैंक, मतलब यूरिया टैंक, जो कि 60 लीटर को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको उसका मोटर मिल जाता है, जो कि यूरिया को सप्लाई करता है। इस साइड में कुछ आपको सेंसर्स और फ्लूड देखने को मिलते हैं डेफ का। तो इस साइड में आपको सॉकर भी मिलता है, कमाने भी मिलते हैं। यहाँ पे ब्रेक सिस्टम के कुछ बल्ब लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाता है, डबल बैटरी के साथ में आता है ये व्हीकल, मतलब 24 वोल्ट के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी कटअप स्विच मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग फिल्टर चेक करने और स्टीयरिंग ऑयल चेक करने के लिए आपको मिल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एयर फिल्टर का बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से अपना एयर फिल्टर एक्सेस कर सकते हैं। और इस साइड में भी आप कमानी देख सकते हैं, किस टाइप का आपको कमानी देखने को मिलता है इस व्हीकल में। और चलिए आपको इसके इंजन के बारे में बताते हैं। इस व्हीकल में जो इंजन मिलता है वो 6.7 लीटर का मिलता है कमिंस का। मैक्सिमम पावर आपको 296 HP का मिल जाता है 2300 RPM पे। और जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 1100 Nm का मिलता है 1800 से 3000 RPM पे, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है कमिंस का। और जो क्लच मिलता है इस व्हीकल में वो आपको 430 डाई का मिलता है और गियर बॉक्स इसमें 1150 यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1150 गियर बॉक्स के साथ में ये व्हीकल आता है। और इस व्हीकल का आपको चेचिस का लंबाई बता देते हैं, जो कि 30 फीट का मिलता है देखने को, 30 फीट और 28 फीट दोनों वेरियंट में आता है, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। और इस व्हीकल का GVW मतलब ग्रॉस वेट व्हीकल आपको 47500 देखने को मिलता है और इसका व्हील बेस 6730 mm का देखने को मिलता है। और इस व्हीकल की वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी आपको 6 लाख और 6 साल की मिल जाती है, जो कि टाटा की तरफ से बहुत वारंटी का सही नॉर्म्स है, 6 साल 6 लाख किलोमीटर बहुत होते हैं। और चलिए आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है इसमें। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, आपको इधर में आपको मिल जाता है RPM मीटर, नीचे में टेम्परेचर मीटर, इस साइड में आपको एयर प्रेशर गेज, ऊपर में किलोमीटर रीडिंग, इधर आपको गियर मिल जाएगा न्यूट्रल,
और यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ टाइम मिल जाएगा, और इधर आपको डेप्थ का गेज मिल जाएगा, और इस साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे फ्यूल का। फ्यूल में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, फ्यूल गेज में आप देख सकते हैं येलो का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डाला गया ताकि ड्राइवर को अच्छे से विजिबल हो पाए। और इस साइड में आपको बटन्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कलरफुल बटन्स आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं लाइट मोड, मीडियम मोड, हेवी मोड। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे रीजनरेशन चालू और बंद करने का देखने को मिलता है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन का आपको मिल जाता है, इस साइड आपको लाइट का मिल जाता है, इसमें लिफ्ट का स्विच पहले से ही आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको हजार्ड का स्विच मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ हेवी मोड और लाइट मोड को यूज़ करने के टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। और इस व्हीकल का आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, स्टीयरिंग काफ़ी अलग मिलता है, सिग्ना वाला ही स्टीयरिंग इसमें यूज़ किया गया है। पहले वाले व्हीकल में थोड़ा सिंपल आता था, इसमें थोड़ा डिज़ाइन अलग मिलता है, बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसका गियर नॉब, यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स लोड गियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटली आपको 9 गियर में आता है ये व्हीकल, और एक रिवर्स को लेकर के 10 हो जाते हैं टोटल। और आप देख सकते हैं इसका एक्सेलेटर पैडल पिछले वाले बी6 से थोड़ा चेंज किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट देखने को मिलता है। प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें, जितने भी मेरे ड्राइवर भाई देख रहे हैं सीट बेल्ट यूज़ करें, सेफ़ रहें, फैमिली को भी सेफ़ रखें। और इस व्हीकल में आपको प्लीटेज का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी अभी कहाँ पर है, कहाँ पे खड़ी है, कितनी स्पीड में है मेरी व्हीकल, कौन से जगह पे है, कितना मेरा व्हीकल में यूरिया है, कितना मेरे व्हीकल में डीजल है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्मार्टफोन पे ही देखने को मिल जाता है, जो कि लेने के टाइम में आपको एक्टिवेट करके मिलता है। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल के अंदर का व्यू, यहाँ पर आपको इंटर कूलर देखने को मिल जाता है, जस्ट उसके ऊपर आपको रेडिएटर देखने को मिलता है, और उसके ऊपर में आपको कूलेंट का टैंक मिल जाता है, और इस साइड में आपको क्लच फ्लूड चेक करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, और इस साइड में कुछ पाइप्स मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ वायरिंग्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वायरिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। और इस व्हीकल का आपको एक्स शोरूम 36 लाख से लेकर के 40 लाख तक को देखने को मिलता है, जो कि शहर टू शहर वेरी करती है। अगर आपको ये व्हीकल परचेज़ करना तो आप नज़दीकी अपने डीलरशिप में जाके पता कर सकते हैं क्या प्राइस इसका चल रहा है। हाँ तो फ्रेंड, चलिए यही इसी टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस हो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।